तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये डीजे सेटअप है, आपको पता ही चल गया होगा नाम से, डीजे मोनो साउंड मेरठ, जो कि मेरठ का मतलब डीजे का बाप ही है। और मेरे अंदाजे से 42 बेस लगा के रखे हैं भाई ने, टोटल मिला के आगे पीछे ऊपर नीचे 42 बेस, और सार पे लगा के रखे हैं शायद 20-22 होंगी। हाँ 20-22 होंगी। तो देखो यार कितनी अच्छी फिनिशिंग है, ये मुझे लग रहा है नंबर 1 पे आएगा आपका। मुझे पिछले साल तो शायद अमल था, और अमर वाले का अब गाया नहीं डीजे। और भाई देख लो यार कैसे कैसे लगाया, तुक्का है भाई का डीजे के मामले में। डीजे मोनू साउंड में रख नीचे भी कहीं एक जगह ऐसी नहीं बच रही जहाँ पे इन्होंने अपना साउंड नहीं लगाया हो, स्पीकर नहीं लगाया हो। 3-way साउंड है टोटल, लाइनर वगैरह देख सकते हैं आप। और देखो मिड हाइंस के टोटल 1 सीरीज है, लेकिन सीरीज का नाम नहीं पता। और यार मोनू भैया से मेरी बात होती रहती थी, उनके लिए खेद है क्योंकि वो एक्सपायर हो गए थे पिछले साल, बट उनका नाम अभी भी कायम है और कायम रहेगा। यार हम तो यही चाहे, जिस तरीके का उनका साउंड है और जैसे उनकी आदत थी, वो अच्छी जगह है। तो डीजे देख लो यार आप, और पीछे का आपको बैक साइड से दिखाते हैं। जितना टाटा में लोग बाग लगा घूमते ना, उतना तो साइड में लगा के रखा है उन्होंने। और आप देखो यार सेट का तो बिल्कुल पूरा चट्टा का चट्टा लगा हुआ है। और देखते हैं संघ की भाई अपने जो मतलब इसके ऑपरेटर हैं उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। जनरेटर ऑन कर देगा? देखो यार बिल्कुल पहाड़ जैसा खड़ा कर दिया डीजे, जिस टाइम जाएगा तो पब्लिक दीवानी हो जाएगी। और ये कावड़ है जो मतलब डीजे के आगे चलेगी, जो रेडी हो रही है। शाम को डीजे की टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग भी हम डाल देंगे।